हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस एंड इन टू डेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिस्टम एंड दैट वर आस्ट इन 2021 ट्वेंटी वन एग्जाम ओके नंबर सिस्टम जैसे कि सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर सिस्टम में से आपको मिलते हैं ओके okay? और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 2015 में थ्री क्वेश्चन थे रिपीटेडली मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ एक बार फिर देख लेते हैं यस yes, तो एक शॉर्ट एनालिसिस है ये आपका नंबर सिस्टम का 2016 फाइव क्वेश्चन 2017 सिक्स क्वेश्चन 2018 सिक्स क्वेश्चन 2019 फाइव क्वेश्चन 2020 फोर्टीन क्वेश्चन 21 नाइन क्वेश्चन एंड 22 14 क्वेश्चन अब यहां पे आप देख सकते हो कि 20 21 22 के अंदर नंबर सिस्टम के काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू इन योर एग्जाम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम तो अगर आपका नंबर सिस्टम का पार्ट आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो नंबर सिस्टम का पार्ट काफी अच्छे से अगर आप क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते डिफिकल्ट नहीं आते अगर आपके छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं इन दैट केस यू कैन इजिली सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन और आप यहाँ पे आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे 21 के अंदर जो में हुए थे, ओके तो पूरा आपने देखना है कि हाँ कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं आप खुद से एनालाइज करना क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं क्या क्वेश्चन लॉजिकल आ रहे हैं क्या बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं ओके okay? तो वो सभी आप लोगों ने देखना सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में हाँ जी सभी शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी शेयर कर देंगे और कॉपी पेन साथ में लेके बैठना सो दैट कि हाँ अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगता है उसको नोट डाउन कर लेंगे ओके यस और साथ साथ में सोल्व भी करने की कोशिश करनी है सो दैट आपको खुद को पता चले कि मुझे नंबर सिस्टम कितना आता है

Let us say I by 10. So remainder क्या बचता है तो so यहाँ पे जब आप नंबर सिस्टम आप लोगों ने किया होगा तो वहां पर कंसेप्ट आपने किया होगा है ना तो so यहाँ पे आपको वही अप्लाई करना है यू जस्ट फाइंड आउट दूनिट डिजिट यस यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करनी है थ्री रेज टू पावर टू थाउजेंड नाइनटीन को जब आप टेन से डिवाइड करोगे देन रिमाइंडर विल बी दूनिट डिजिट ओके okay? अब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आई होप सभी को आता है क्या है हमारे पास में थ्री रेज टू पावर 2019 यहाँ पे वैल्यू क्या है थ्री तो जो साइक्लिसिटी है थ्री की देखो फोर के बाद रिपीट हो रहा है थ्री का थ्री रेज टू पावर वन इज इक्वल टू थ्री थ्री रेज टू पावर टू यूनिट डिजिट पे आएगा आपके पास नाइन थ्री रेज टू पावर थ्री ट्वेंटी यूनिट डिजिट पे मिल रहा है आपको सेवन थ्री रेज टू पावर फोर एट्टी वन यूनिट डिजिट पे आपको मिल रहा है रेज टू पावर कितना आ रहा है टू फोर्टी थ्री यूनिट डिजिट पे आपको मिल रहा है थ्री क्लियर तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हाँ जी फोर के बाद में क्या हो रहा है रिपीट हो रही है यूनिट डिजिट दैट मीन की जो साइकिल है वो कैसे चल रही है यस फोर के बाद में साइकिल आपका रिपोर्ट तो उसका मीनिंग क्या है कि हम जो ये पावर है इसको अगर मैं फोर की पावर के अंदर कन्वर्ट कर लेती हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास में क्या बनेगा टू रेज टू पावर सिक्सटीन प्लस क्या लिख सकते हो आप इसको थ्री टू रेज टू पावर सिक्सटीन इन टू थ्री रेज टू पावर थ्री अब यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करू यहां पे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा टू रेज टू पावर टू थाउजेंड सिक्सटीन जो फोर्थ पावर है दैट मीन वन और थ्री रेज टू पावर थ्री पे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है आपके पास सेवन दैट मीनस की यूनिट डिजिट क्या मिलेगी आपके पास सेवन

इज़ इज़ डिविजिबल देन द वैल्यू ऑफ द डिजिट पी तो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी अब यहाँ पे देखो अगर आपके पास में इस तरह से इस तरह से काफी ज्यादा डिजिट का नंबर आ रहा है और हमने डिविजिबिलिटी का चेक करना है इन दैट केस यू कैन डिवाइडेड बाई थ्री थ्री पार्ट ओके तो यहाँ पे अगर हमारे पास में नंबर है इसको ध्यान से देखेंगे Two, five, P, three, six, राइट right से आपको पेयर बनाने शुरू करने थ्री थ्री के तो यहां पे देखो यस yes. इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो रूल क्या कहता है कि अगर आप इस तरह से इसको डिवाइड करते हो इन दैट केस दिस पेयर राइट पेयर माइनस द सेकेंड पेयर प्लस द नेक्स्ट पेयर माइनस द नेक्स्ट पेयर ये जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी डिविजिबल बाय सेवन इससे डिविजिबल होनी चाहिए सेवन से डिविजिबल होनी चाहिए दिस इज क्लियर अब इसको सोल्व करो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे आप देख रहे हो क्या वैल्यू बन रही है थ्री गया, गया आपके पास में थ्री टेन से सेवन गया आपके पास में बच गया थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव this should be divisible by yes this should be divisible by 7 अब अगर हम यहां पे देखें 13 30 तो ये तो डिविजिबल नहीं है 7 से ये तो 7 से डिविजिबल नहीं है ओके तो यहां पे आप देख रहे हो कि रिमाइंडर क्या बचेगा यहां पे आप देखो क्या रिमाइंडर आपके पास रहेगा हां जी क्या रहेगा रिमाइंडर देखो 7 1 7 ओके क्या बचा देखो रिमाइंडर चेक करो क्या बचेगा आपके पास में तो 865 एंड सत उनचास फोर विल बी द रिमाइंडर ओके क्या रिमाइंडर रह गया आपके पास में फोर विल बी द रिमाइंडर तो यहां से जब थर्टीन थर्टी को करते हो आप तो रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास में फोर बच रहा है फोर बच रहा है दैट मीन्स कि अब हमारे पास में ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है इसको भी एक बार चेक करो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए टू फिफ्टी सिक्स के केस में अगर मैं चाहूँ कि हाँ जी दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए तो किससे डिविजिबल रहेगा ये यहाँ पे देखो डिविजिबल रहेगा टू फिफ्टी अब टू फाइव और P है और मैंने ये चेक करना है कि इसको 7 से डिविजिबल देखना है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में yes. देखें पी की जगह पे मुझे क्या चाहिए टू दैट मीनस आप यहाँ पे क्या कहोगे कि जो आपके पास में यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या रहेगी हाँ जी यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या रहेगी टू टू आना चाहिए अगर मैं कहती हूँ कि दिस पार्ट शुड बी डिविजिबल देन दिस शुड बी ओके आना चाहिए बट यहाँ से भी तो फोर बच रहा है आपके पास में यहां भी बच रहा, तो 4 तो है, और टू ये मुझे चाहिए ही चाहिए दैट कि जो टोटल वैल्यू आनी चाहिए वो हमारे पास में क्या होना चाहिए सिक्स सिक्स तो पी की जगह पे अगर मैं रखती हूँ सिक्स तो क्या आ जाएगा आपके पास में दिस विल बी डिविजिबल बाई सेवन तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में क्लियर है देखो दोबारा से ध्यान से समझेंगे अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ पे अपने पास में रिमाइंडर बच रहा है रिमाइंडर बच रहा है फोर ओके अब यहाँ पे अगर मैं लिखू यस थर्टीन माइनस टू फिफ्टी सिक्स क्लियर तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास में दिस विल बी वन अब देखो ध्यान से एंड दिस इज डिविजिबल बाई दिस इज डिविजिबल सो आंसर विल बी सिक्स वो चेक करने का मेथड था कि कैसे सिक्स आएगा डन आई होप सभी को क्लियर है हाँ जी सभी को क्लियर है नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम सेवन हंड्रेड टू वन थाउजेंड

7 तो है टोटल कितना चाहिए मुझे टोटल कितना चाहिए सम क्या कह तो या तो ऐसे हो सकता है आपके पास में थ्री हो जाए या फिर सेवन वन टू अगेन सम ऑफ डिजिट इज थ्री या फिर हमारे पास में क्या हो सकता है सेवन टू वन या फिर क्या हो सकता है सेवन थ्री जीरो सम किसके इक्वल है? यस, सम इज इक्वल टू टेन अब सेवन के बाद में हम देखते हैं जी एट था एट हंड्रेड वाली लाइन को देखते हैं अगर हम एट हंड्रेड पे जाते हैं तो एट तो ये आएगा आपके पास में बाकी की दो डिजिट का सम कितना होना चाहिए टू अब टू कैसे बनेगा या तो टू जीरो या तो जीरो टू या तो जीरो टू बना लो या फिर टू जीरो या फिर क्या बनेगा आपके पास में वन वन क्लियर अब हम हम आते हैं नाएन वाली, वाली लाइन पे। अगर हंड्रेड की बात करें तो नाइन तो बेटा मुझे वन और ऐड करना कैसे होगा? या तो मेरे पास में वैल्यू क्लियर अब देखो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे आपके पास में कितनी बन रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो योर आंसर विल बी अब ये देखो लॉजिकल क्वेश्चन था लॉजिकल क्वेश्चन है तो नंबर सिस्टम के लिए आपका लॉजिकल होना बहुत जरूरी है कि आप सिंगल सिंगल डिजिट पे आपको काम करना आना चाहिए सिंगल सिंगल डिजिट पे नेक्स्ट yeah? देखिएगा तो प्रैक्टिस तो यहाँ पे देखो मस्ट है मैं कहूंगी कि प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा जरूरी है यस नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम पे दिस वॉज नॉट डायरेक्ट दिस इज मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या है कंसिडर ऑल थ्री डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स ऑपटेन यूजिंग नॉन जीरो थ्री की मल्टीपल होना चाहिए अब थ्री की मल्टीपल अगर हम डिजिट देखे तो कौन कौन सी है लेट एथ बी देर साम अब अगर हम इन डिजिट से सारे नंबर ऑप्टेन करते हैं तो नंबर हमारे पास में कौन कौन से बनेंगे तीन डिजिट है छ नंबर बनेंगे छे नंबर बनेंगे बनाते हैं एक मिनट क्या हो गया आपके पास में थ्री सिक्स नाइन थ्री नाइन सिक्स ओके और थ्री से ही हो गया आपके पास में अब सिक्स को आगे रख लो अगर हम सिक्स को आगे रखते हैं तो थ्री नाइन और सिक्स को नाइन थ्री हो गया अब नाइन को आगे रख लेते हैं अगर नाइन को आगे रखते हैं थ्री सिक्स एंड थ्री ये हो गया आपके पास में थ्री सिक्स और ये हो गया आपके पास में सिक्स थ्री टोटल सिक्स नंबर है अब इसमें यहाँ क्या पे क्या एस इज इक्वल टू देयर सम तो इज इक्वल टू देयर सम सबको को एडअप करोगे सबको एड करोगे अब ऐड करके यहाँ पे देखो कि वैल्यू क्या बन रही है यस yes. ऐड करते ही हो गए आपके पास में नाइन छत्तीस ठीक है वही सेम डिजिट सी ऊपर नीचे आ रही है तो ये भी कितना बनेगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स और थ्री कैरी हो गया आपके पास नाइन थर्टी सिक्स एंड थ्री इज द कैरी दिस इज नाइन थ्री नाइन 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 सिक्स थ्री नाइन नाइन सिक्स क्लियर अब देखो क्या कह रहा है फॉलोइंगेक्ट दलवेज डिविजिबल बाई सेवेंटी फोर कह रहे सेवेंटी फोर से डिविजिबल रहेगा तो अब चेक करो थ्री नाइन नाइन सिक्स से डिविजिबल है हाँ जी दिस डिजिबल बाई सेवेंटी फोर तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसको डिवाइड करके देखेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे अगर चेक करना है तो एक तो अगर देखो हमें सेवनटी फोर का टेबल नहीं आता नहीं आता और सेवेंटी फोर से आपको डिवाइड करना भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो अगर इस तरह से हो तो कैंसिल आउट कर लिया करो जितना कैंसिल आउट होता है तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये हो गया आपके पास में ओके अब इसको आगे थर्टी सेवन से अब थर्टी सेवन से तो ऑबियसली आपको करना पड़ेगा इसको तो ये हो जाएगा आपके पास में अः तीन पंद्रह पंद्रह उन्नीस चार्ठाईस यस ये आपका पूरे का पूरा डिविजिबल है हाँ जी डिविजिबल रहेगा देखिए हो रहा है ना डिविजिबल देखो एक बार फाइव से जा रहा है यहाँ से फिर तो हम इसको देखते हैं तो ये चला जाएगा आपके पास में सात चौके के अट्ठाईस

क्या है थ्री पी प्लस फोर पी प्लस पीपी प्लस पीपीज इक्वल टू आर क्या आर आर डिफरेंट डिजिट देन व अर्थमैटिक मीन अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है अर्थमेटिक मीन अब देखो अर्थमेटिक मीन mean का मीनिंग होता है बेटा एवरेज एवरेज ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स क्लियर तो यहां पे देखो एवरेज और नंबर सिस्टम दोनों को मिक्स किया है तो अब आपके पास में वैल्यूज क्या है थ्री पी डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है फोर पी and एंड पीपी और यहां पे क्या कह रहा है R, Q and टू अब देखो टू यहां पे कैसे बनेगा के टेबल में देखो आप टू कैसे बनता है क्योंकि फोर नंबर वन टू थ्री फोर है ना फोर के टेबल में देखो फोर थ्री ट्वेल्व यूनिट डिजिट पे क्या आएगा अगर मैं पी की वैल्यू रखती हूं थ्री तो यहाँ पे टू बन सकता है एट फोर थर्टी टू यहां मैं पी की वैल्यू रखती हूँ एट तो यहाँ पे टू बन सकता है पे 2 मिले? नहीं मिलेगा ना तो आपके पास में दो पॉसिबल केस बन रहे दोनों पॉसिबल केसेस को अप्लाई करके देखो अब यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ इसको थ्री अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रखते हैं थ्री फर्स्ट केस पी इज इक्वल टू थ्री तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी थर्टी थ्री फोर्टी थ्री थर्टी थ्री एंड थर्टी थ्री करेंगे ये हो गया हमारे पास ट्वेल्व चार तारह चार चौके सोलह सोलह एक सतारह ये हो गया आपके पास में वन फोर्टी टू वन फोर्टी टू बन गया दूसरा केस लेते हैं हम एट का एट का अगर केस लें, तो क्या बनेगा आपके पास में थर्टी एट फोर्टी एट एट्टी एट एट्टी एट कितना आ गया आठ सौ के बत्तीस ठीक है और ये कितना हो गया आपके पास आठ आठ सोलह आठ सौ देर आर टू वैल्यूज वन फोर्टी थ्री एंड टू सिक्सटी टू ना व्हाट इज द क्वेश्चन व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम देर आर टू पॉसिबल सम्स वन इज वन फोर्टी टू सेकेंड वन इज टू सिक्सटी टू क्लियर वॉन्ट टू फाइंड आउट अर्थमैटिक मीन करोगे आप यस टोटल इज दिस टू दैट मीन्स टू जीरो टू आंसर विल बी ऑप्शन क्वेश्चन को लॉजिकली समझने की कोशिश करने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट yeah? देखिएगा नेक्स्ट yes. क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम टू जीरो आर इज नॉट इक्वल टू जीरोड बाव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर पी क्यू एंड आर अगेन डायरेक्टली करने की कोशिश करा करो p q को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करती हूं तो ये क्या कह रहा है मेरे पास क्या मिल रहा है r q q दैट मींस अब यहां पे जब हम इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप देखो थ्री की टेबल के अंदर कहां पे मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगी जिससे यहां पे भी सेम वैल्यू आए और यहां पे भी सेम वैल्यू आए 3 1 3 यस yes. 1 3 1 3 2 6 3 9 4 टी टू फाइव फिफ्टीन फाइव फिफ्टीन यस फाइव फाइव दोनों जगह आ 5, 5 आ रहा रहा है. और कोई ऐसा केस बन रहा नहीं बन रहा That means what? कि in place of in place of पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ यू विल रिप्लेस फाइव एंड इफ दिस इज फाइव दिस इज अगेन फाइव दिस इज फाइव डन

थ्री एट ज ट्वेंटी फोर तीन अठे चौबीस है ना तो यहाँ पे हमारे पास में कब मिलेगा जब यहाँ पे मैं रख देती थी एट पी की वैल्यू हमने रखी एट थ्री एट जी फोर वन वॉज दैरी सो इट विल बिकम ट्वेंटी फाइव यहाँ पे फाइव आ गया ना मुझे तो यहाँ पे फाइव चाहिए था क्लियर सो so, हमारे पास में वैल्यूज क्या बन गई पी इज इक्वल टू एट क्यों इज इक्वल टू फाइव एंड आर इज इक्वल टू टू बिल्कुल बेसिक है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था हाँ जी आप देखो क्या फाइंड आउट कर पी प्लस आर डिवाइडेड बाई क्यो पी इज इक्वल टू एट आर इज इक्वल टू टू डिड बाईव दैट मीन्स टेन डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू टू सो आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखो क्या है सम ऑफ फाइव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी यहां पे भी ध्यान रखना यहां पे अगर होता ऑलवेज बी जब ऑलवेज का केस आता है इन दैट केस यू विल ट्राई टू फाइंड आउट वट फॉल्स केस कि हाँ कोई ऐसा केस तो नहीं बन रहा कि हाँ जिसके लिए ट्रू नहीं जा रहा और हम उसको रोंग कर देते बट अगर बात आ रही कैन की इन दैट केस यू विल ट्राई टू फाइंड आउट ए सिंगल ट्रू केस हाँ जी यहाँ पे क्या करना हमने कैन की बात हो रही है कैन दैट मीन देर इज पॉसिबिलिटी मीन्स हो सकता है क्या कहा मैंने अगर यहाँ पे कहता है कि यस ऑलवेज भी जब आता है अपने पास में वर्ड ऑलवेज इन दैट केस क्या करना आपने फॉल्स केस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है अगर आपने एक सिंगल फॉल्स केस भी मिल जाता है तो रोंग हो जाएगा ओके हाँ जी रोंग हो जाए ट्रू केस पे इतना फोकस नहीं करना आपने बट अगर आपके पास में यहाँ पे क्या कह रहा है

अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा दिस विल बी फाइव एक्स वन टू थ्री 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 सिक्स एंड टेन प्लस टेन ओके दैट मीन्स फाइव एक्स प्लस टू क्लियर तो अब यहाँ पे उसने क्या कह सम किसके इक्वल कह रहा है वो हंड्रेड के हम इसको देखते हैं हंड्रेड के इक्वल तो एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या होगी आपके पास में यस yes? दिस इज इक्वल टू टू सॉरी जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट यहाँ पे आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्टली यहाँ पे आप देखो क्या आ गया आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में x की वैल्यू क्या आ गई हां जी क्या है यहाँ पे टेन नहीं है दिस इज हंड्रेड ओके यहाँ पे इसमें क्या क्या सम कितना होना चाहिए हंड्रेड हंड्रेड तो ये कितना हो गया आपके पास में ट्वेंटी एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास एटी ओके, सो दैट व्हाट कि अगर मेरे पास में कॉन्जिक्यूटिव नंबर है एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ओके सो विल बी इक्वल टू हंड्रेड सो वट वी विल से दिस इज करेक्ट इज करेक्ट दूसरा कैसे था प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जीग्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम

और क्या है कैन का केस है दैट मींस कि अगर मेरे पास में सिंगल केस मिल रहा है दैट मींस दिस इज ट्रू तो आंसर क्या आ जाएगा बोथ वन एंड टू बोथ वन एंड टू ओके नेक्स्ट देखिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्या द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स इज 54 अगेन देखो यहां पे आपके पास में

अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है फिफ्टी फोर के एक्चुअल तो में अगर हम नंबर की बात करें दिस नंबर इज इक्वल टू टेन एक्स डिफरेंस टेन वाई प्लस एक्स इज इक्वल फोर मीन्स वाइन एक्स माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू फिफ्टी फोर दिस इज नॉट वाई दिस इज फिफ्टी फोर हाँ जी कंफ्यूज नहीं होना दिस इज फिफ्टी फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से कि x -Y की वैल्यू क्या है सिक्स क्लियर दैट मीनस कि अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करूं तो मेरा नंबर क्या बनेगा नंबर हमारे पास में क्या कंसिडर किया था हमने किया किया था XY किया था और साथ में ही उसने यहाँ पे जस्ट डिफरेंस कहा है डिफरेंस कितना कहा है उसने फिफ्टी फोर तो उस केस के अंदर यहाँ पे डिफरेंस कितना कह रहा है सिक्स का तो अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरे पास में जो वैल्यू है वैल्यू है वो किस तरह से है दिस इज सिक्स जीरो पॉसिबल नंबर का वैल्यू क्या बन सकती है सिक्स और जीरो हो सकता है जीरो सिक्स नहीं हो सकता ठीक है yes. यस उसके बाद में अगर मैं कहती हूँ दिस इज सेवन दिस इज वन इफ दिस इज एट देन दिस इज टू ओके इफ दिस इज नाइन देन दिस इज थ्री दीज आर द पॉसिबल केसेस दीज आर द पॉसिबल केसेस यहां से मुझे ये मिल रहा है अब आगे देखो अब पूरे का पूरा कंक्लूजन निकालने के बाद आपने स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये क्या पूछ रहा है मुझसे कह रहा कंसीडर द द द द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सम ऑफ ऑफ टू डिजिट्स नंबर कैन बी ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज नोन कह रहा है कि अगर मुझे प्रोडक्ट मिल जाए तो मैं इसका स्तम बता सकती हूँ तो अब यहां पे मुझे क्या मिल रहा है यस yes. अगर मैं ये कहूं कि मेरा जो नंबर है ये वाला नंबर है तो प्रोडक्ट क्या होगा जीरो Product is 7, product is 18, product is 27. नहीं बता सकती मैं बट अगर मेरे पास में है, कर सकते ना. अगर मेरे पास क्वेश्चन है के अंदर गिवन है कि हाँ जी दोनों का प्रोडक्ट कि कि कितना है सिक्सटीन है सम तो हम कर सकते हैं कि हाँ फिर हमारे पास में कंफर्मेशन हो जाएगी कि कौन सा नंबर है Until, unless, आई डोंट हैव दर्म नंबर एग्जैक्ट नंबर आई कॉन्ट द समिट्स नहीं बता सकते तो उसने यही कहा प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज नॉन इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज नॉन इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट द एग्क्ट वैल्यू एंड आउट दू दिस इज करेक्ट दूसरा क्या है डिफरेंस ऑफ द नंबर बिटवीन

सभी के अंदर क्या मिलेगा आपको वन मिलेगा Then what is the smallest number? अब यहां पे देखो इस तरह का अलग -अलग क्वेश्चन तो yes, कोई भी हो सकता है तो केस में हमने करना क्या है दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन देखो अगर मैं कहती हूँ कि हाँ जो मेरा नंबर है यहाँ पे जो सर्टेन नंबर है दिस इज एक्स ध्यान से समझेंगे अब यहाँ पे उसने क्या कहा दिस इज मल्टीप्लाई बाई सेवन देन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता कितने वन है क्या कह रहे X की value find out तो X की value हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे जितने भी है उनको मैं सेवन से अगर डिवाइड करूं क्लियर अब यहाँ पे जब मुझे आगे पता ही नहीं है कि कितने वंस है तो क्या मेरा आंसर आएगा बिल्कुल आएगा आप क्या करोगे उसको डिवाइड करना शुरू करो जब आपका रिमाइंडर बचता है जीरो

क्योंकि हमें नहीं पता कितने वन है काफी सारे वन हो सकते हैं मीन्स मीन वर्ट कि हर बार मुझे नेक्स्ट क्या करना है वन को ओके तो ये हो गया आपके पास में जब तक रिमाइंडर बचता है Then seven, eight 56. Is five. Again, remainder बच कोई बात नहीं नेक्स्ट वन को हम पिक कर लेंगे ठीक है और ये हो गया आपके पास में सेवन सेवन सा फोर्टी नाइन अगेन रिमाइंडर बच रहा है कोई बात नहीं जब तक रिमाइंडर है तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे ओके okay? वैसे तो यहां तक आपको ऑप्शन से ही मिल जाता है बट फिर भी आगे नेक्स्ट हमने वन को पिक किया सेवन थ्री सा वैल्यू क्या आई है मेरे पास वन फाइव एट सेवन थ्री वन फाइव एट सेवन थ्री दिस इज ये देखो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था तो आई होप सभी को क्लियर है सारे क्वेश्चन सिस्टम so, पे अगर आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है नंबर सिस्टम पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं बट प्रैक्टिस इज मस्ट किसी भी तरह से कुछ भी आ जाता है ओके okay? तो so, उसके लिए आप नंबर सिस्टम ले सकते हो नंबर सिस्टम में बार बार कह रही हूँ माइक्रोवर्सिस के अंदर नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ करो ना करो नंबर सिस्टम जरूर करना है सभी ने ओके माइक्रोवर्सेस अवेलेबल है वहां से आप नंबर सिस्टम ले सकते हो ओके अगेन इट्स अप टू यू मुझे क्लियर कर रहे हैं अपने या फिर मुझे आ, क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए नाउ इट्स आपके पास में टेन वीडियो लेक्चर अवेलेबल है यस यू हैव टेन वीडियो लेक्चर्स एंड यू हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल्सो देर आर फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन प्रैक्टिस क्वेश्चन टेन वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके अंदर uh, आपके टू थाउजेंड थर्टीन से प्रीवियस ईयर के भी बीच में डिस्कस किए गए लेक्चर्स ओके तो वो वहां पे अवेलेबल है तो आप इसको ले सकते हो एंड यू कैन कस्टमाइज इट्स अप टू यू दूसरा अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए प्रीवियस ईयर की टेन ईयर की प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है यू कैन ऑल्सो अवेल दिस वन दोनों के दोनों लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन में वहां से आप इसको ले सकते हो यस डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक अवेलेबल है दिस इज द टेस्ट सीरीज 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू यस ट्वेंटी अब यहाँ पे आप कहोगे यस तो मैडम इजीली मिल जाती है देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पीवाई क्यू टेस्ट सीरीज पी वाई क्यू टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको एक पर्टिकुलर यस फॉर्मेट में मिल रहे हैं

डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है इट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू बेस्ट ऑफ लक बने रहिए अभी मन्यू के साथ में